स्वागत है आप सभी का उपसी कोचिंग क्लास में। आइए हम बात करेंगे वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल पे, जो कि हर जगह चाहे वो जेईई मेन का एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी बीएचयू का कोई भी एग्जाम हो एंट्रेंस का, तो हम लोग यहाँ पे और आपका बोर्ड भी वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल पे सवाल जरूर पूछता है। और यहाँ पे बोर्ड के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट फिक्स सवाल है इसका, 8 नंबर में 5 नंबर में हर साल आता है सवाल। तो आपको वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ वक्र को समझना होगा, उसका ग्राफ क्या होता है। तो आइए हम कुछ ग्राफ के बारे में समझते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। आइए देखते हैं, यहाँ पर वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल में सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण ग्राफ के बारे में देखते हैं। वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, ये एक सरल रेखा है, ये एक सरल रेखा है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। तो वाई बराबर एम एक्स प्लस सी की बात करें तो एम भी यहाँ पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है, सी एक अंतःखंड है। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो इस प्रकार का आएगा। आप देख सकते हैं कि जो इसका ढाल है वो पॉजिटिव है क्योंकि 90 डिग्री से कम है, इसलिए ढाल यम पॉजिटिव है, और जो इसका सी अंतःखंड है वो भी पॉजिटिव है, इसलिए पहला ग्राफ का होगा वाई बराबर एम एक्स प्लस सी का। दूसरा ग्राफ यहाँ पे हमने क्या किया है, अंतःखंड तो धनात्मक ही है लेकिन जो यहाँ पर आपका आपका जो यहाँ पे प्रवणता है वो निगेटिव है। तो प्रवणता निगेटिव है इसका मतलब ये हुआ कि आपको अंतःखंड तो धनात्मक रखना है, प्रवणता निगेटिव है इसका मतलब है कि जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं लाइन आपकी इस प्रकार जाएगी। अगर हम बात करें कि दोनों निगेटिव है तो आपकी लाइन इस प्रकार की जाएगी। अब आप समझ गए होंगे अगर हमें प्रवणता को निगेटिव करना है तो लाइन को 90 डिग्री से ज्यादा कोण पर रखना है, और अगर हमें अंतःखंड को निगेटिव रखना है तो यहाँ पर हमें वाई एक्स के नीचे चलना है, अगर पॉजिटिव है तो वाई एक्स के ऊपर चलना है। तो ये इस प्रकार की बात करेंगे। बात करें परवलय की तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax या एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, दोनों का ग्राफ अगर देखें तो वाई स्क्वायर बराबर 4x का ग्राफ हमें लेंगे जब इस प्रकार का होगा, और अगर यहाँ माइनस एक्स है तो इस प्रकार का। आपको यहाँ ध्यान देना चाहिए कि अगर वाई स्क्वायर बराबर 4x है, यहाँ पे x आ रहा है, तो इसका जो मुख होगा वो कहाँ जाएगा, x अक्ष की तरफ, x अक्ष है, x अक्ष की तरफ होगा। और अगर बात करें माइनस एक्स तो इसका जो मुख कहाँ जा रहा है, माइनस की तरफ। अगर ये वाई है यहाँ पे तो कहाँ जाएगा, y की तरफ। अगर ये माइनस वाई है तो कहाँ जाएगा, माइनस वाई की तरफ। किसी प्रकार बात करें हम अगला ग्राफ वाई बराबर एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब ग्राफ कुछ प्रकार का होगा। तो ये आपका एक्स क्यूब का ग्राफ है। तो यहाँ तक की ग्राफ आपको याद होना चाहिए, और भी कुछ महत्वपूर्ण ग्राफ है उसको हम सवालों में कंप्लीट करेंगे। अब आगे की बातें सवाल पे देखते हैं। आइए हम एक सवाल पे नजर डालते हैं। यहाँ पे y बराबर एक्स क्यूब, एक्स अक्ष और कोटियों दिया है x बराबर -2 से, x बराबर -2, x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। तो बहुत ही आसान सवाल हमने लिया है। यहाँ पे देखिएगा y बराबर एक्स क्यूब, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको ग्राफ बताया था, तो y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होगा आप अगर उसको देखें, तो हमने बना के दिखाया था आपको, ये आपका कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। तो ये आपका ग्राफ हो गया y बराबर एक्स क्यूब, आप यहाँ पे रख दीजिए y बराबर एक्स क्यूब। ये हमें और क्या दिया है, x अक्ष आपका, x अक्ष ये रहा, y अक्ष आपका ये रहा, कह रहा है x बराबर -2, x बराबर 1। हमें पता है x बराबर a होता है y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, तो x बराबर 1 जो होगा वो यहाँ कहीं आएगा, और अगर हम इसको लाइन खींचना होगा तो हम ऐसे खींचेंगे, ये आपका होगा x बराबर 1। अगर हम वही बात करें x बराबर -2 की, तो ये -2 x इधर इधर आएगा, तो ये ऐसा कुछ होगा, ये आपका हो गया x बराबर -2। आप अगर देखें तो आपका जो एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है और ये वक्र है, और ये कोटियों द्वारा जो घिरा क्षेत्रफल आएगा वो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, कैसे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, बहुत ही आसान है। जब देखिएगा हम लोग क्या करने वाले हैं, हमें एक चीज और पता है कि -2 से यहाँ पे जीरो है, मूल बिंदु है, एक्स की अगर बात करें तो ये -2 ये जीरो है, ये 1 है। तो अगर हम इसका एरिया जानना चाहते हैं तो क्या करेंगे, देखिएगा समाकलन, समाकलन -2 से लेकर 0, अगर हम इसकी बात करें -2 से लेकर 0 समाकलन, और ये जो आपका ग्राफ है y बराबर x क्यूब, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y के साथ x क्यूब और यहाँ लिखेंगे dx। ये जो आपको मिलेगा -2 से 0 के बीच में ये एरिया मिलेगा, लेकिन हमें यहाँ ध्यान रखना है कि जो ये एरिया आएगा ये निगेटिव होगा क्योंकि ये x अक्ष के नीचे की तरफ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे, प्लस समाकलन, समाकलन 0 से लेकर हम लोग बात करेंगे 1 तक, 0 से लेकर 1 तक, फिर भी वही ग्राफ है, ये ग्राफ और ये x अक्ष की भी जो घिरा क्षेत्रफल हुआ आएगा x क्यूब dx, 0 से 1 यहाँ पे बात होगी। आपको पता है x क्यूब का समाकलन आपको यहाँ से मिलेगा
एक्स की पावर 4/4 अगर लिमिट आप लगा देंगे माइनस 2 से लेकर 0, यहाँ नॉट लगाना मत भूलिएगा नहीं सॉल्व गलत हो जाएगा। बात करें यहाँ की x की यहाँ भी होता है x की पावर 4/4 लिमिट 0 से लेकर 1 तक, इसको हम सॉल्व ऊपर कर देते हैं। चलिए बताइएगा जरा, अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार x के साथ में क्या करेंगे 0, तो आपको ये मिलेगा 0 माइनस, आप जब यहाँ माइनस 2 करेंगे तो माइनस 2 की घात 4 कितना हो जाएगा, माइनस 2 की घात 4, 2 × 4 × 2 × 4 16, ये आपको मिलेगा 16/4 और यहाँ पे प्लस यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स के साथ भी आप 1 करेंगे तो 1/4 आएगा माइनस 0, ये आप मॉडल जो यहाँ लिए हैं यहाँ पे आबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वाइस का बराबर 4x का अभी हमने ग्राफ बताया था आपको, अगर 4ax का ग्राफ है तो उसी प्रकार का ग्राफ होगा, यहाँ x है तो x की तरफ इसका ये उठेगा ऐसे, तो ये इसका हमने ग्राफ बना दिया। ये क्या है, y स्क्वायर बराबर 4x, तो ये यहाँ बताइए y बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4x, ये x को लिख सकते हैं 2√x। अब बात करें x बराबर 4 की, तो ये x बराबर 4 जो होगा ये y x के समांतर रेखा का समीकरण होगा, तो हमने यहाँ पर कहीं मान लिया x बराबर 4 हमने मान लिया, ये जो रेखा होगी y के समांतर, तो आपको जो क्षेत्रफल निकालना है वो आपको ये टोटल क्षेत्रफल निकालना है, ये टोटल क्षेत्रफल आपको निकालना है। हमें एक चीज पता है कि जितना एरिया ये ऊपर वाला होगा उतना ही एरिया नीचे वाला, क्योंकि ये जो आकृति होगी ये सममित आकृति है, सममित आकृति का मतलब हो गया जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो ये दोनों जो क्षेत्रफल होंगे आपस में बराबर होंगे। तो हमें पता है ये मूल बिंदु है, ये x बराबर 0 है, यह x बराबर कितना है 4 है, तो हम यहाँ से समाकलन करेंगे 0 से लेकर 4 और यहाँ y का मान हो जाएगा 2√x और dx, हम ऐसा करेंगे तो हमें ये टोटल एरिया आपको यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, लेकिन हमें पता है कि जितना ये एरिया होगा उतना ही ये एरिया होगा, इसलिए हम दो से गुणा कर देंगे, दो से गुणा कर देंगे तो हमें टोटल एरिया आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से दो को बाहर निकालेंगे, पहले यहाँ √x dx लिमिट 0 से लेकर 4, तो 2 गुणा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ की बात करें तो √x का जो समाकलन होगा x की पावर 3/2 आपको यहाँ याद होना चाहिए कि समाकलन x की पावर n dx बराबर क्या होता है, x की पावर n+1/n+1, तो यहाँ n बराबर 1/2 है, 1/2+1 करेंगे 3/2 आएगा, 1/2+1 करेंगे 3/2 आएगा, यहाँ 0 और 4। अब आप यहाँ देखिए 4 करेंगे अपर लिमिट जहाँ x से वहाँ क्या करेंगे 4, तो एक बार आप 4 की घात क्या करने वाले हैं 3/2 और माइनस आप जहाँ x से वहाँ 0 करेंगे तो केवल 0 हो जाएगा। बात करें यहाँ की, तो ये 2 पर जाएगा तो आएगा 4×8/3 × 4³ जो आएगा, तो 2 का आप यहाँ भी करके दिखा दे रहा हूँ, 4³/2 का मतलब हो गया कि 4³/2 पूरे का होल क्यूब, 4³/2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो यहाँ से इसको 8 लिख देंगे तो 8 × 64 तो कितना आ जाएगा 64/3, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 64/3। आइए अगला सवाल देखते हैं, दिखाइए कि परवलय y²/4ax तथा x²/4y के बीच का क्षेत्रफल 16/3a² होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग दोनों अक्षों को बनाएंगे, y²/4ax जो होगा उसका कुछ इस प्रकार ग्राफ होगा, हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया, इसके बाद आपका x²/4ay जो होगा वो आपका इस प्रकार का ग्राफ होगा। तो हमने यहाँ पर ये y ले लिया, x ले लिया, तो यहाँ पे के बीच का क्षेत्रफल मतलब हमें ये वाला जो अंदर का बीच का क्षेत्रफल है ये निकालना है। तो अगर हम दोनों को हल करेंगे यहाँ से x²/4ax और x²/4y को हल करेंगे तो इसका जो प्रक्षेपण आएगा वो 4a/4a आएगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक लंब डाल देंगे तो ये आपको मिलेगा 4a, यहाँ पे आपको मिलेगा 0। आप अगर करेंगे यहाँ पर समाकलन 0 से लेकर 4a और हमने ऊपर वाला ग्राफ ये लिया है, ऊपर वाला ग्राफ है ये y बराबर √4ax, यहाँ ये वाला ग्राफ है और ये वाला ग्राफ जो है ये है, यहाँ से अगर y का मान निकालेंगे तो y बराबर आएगा x
स्क्वायर बटे 4a। तो हम लोग क्या करेंगे, जीरो से अगर हम बात करें इसके बीच का क्षेत्रफल, तो यहाँ मैं लिखता हूँ तो a बराबर क्षेत्रफल आएगा इंटीग्रेशन। अगर हम यहाँ से करें जीरो से लेकर 4a, जीरो से लेकर 4a, तो ऊपर वाला जो ग्राफ है हम अगर इसको लिखते हैं 4ax, तो और यहाँ लिखते हैं dx, तो ये जो होगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब x अक्ष और ये वक्र की बीच का कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर हम एक काम करते हैं जीरो से लेकर 4a और जो नीचे वाला ग्राफ है इसको लिखते हैं और यहाँ से लिखते हैं x स्क्वायर बटे 4a और dx, तो ये जो क्षेत्रफल आता है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया आता है, मतलब आपको ये एरिया मिलेगा, ये एरिया मिलेगा। अगर हम क्या करते हैं कि पूरे एरिया में से, पूरे एरिया में से ये जो पूरा एरिया है वो ये लिखा है, अगर ये वाला एरिया घटा देते हैं जो ये लिखा है, तो हमें बीच का एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ये बाहर निकलेगा तो ये 2 रूट ए बाहर आएगा और समाकलन 0 से 4a अंडर रूट x dx और माइनस यहाँ भी 1 अपॉन 4a बाहर, समाकलन x स्क्वायर dx और लिमिट है 0 से लेकर 4a। अब वो सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2 अंडर रूट a, अगर हम x रूट x की बात करें तो आएगा x की पावर 3/2 बटे 3/2, लिमिट लेते हैं 0 से लेकर 4a, माइनस 1 अपॉन 4a और यहाँ पे एक स्क्वायर को लिखते हैं x क्यूब बाई 3 0 से लेकर 4a। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से भी क्या मिलेगा, यहाँ से भी क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा मुझे 2 अंडर रूट a, यहाँ पे अपर लिमिट जहाँ x से बाहर लिखेंगे 4a, तो ये जो 3/2 है ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 और इंटू एक्स की, एक्स के साथ में 4a, 4a की पावर हो जाएगा 3/2 माइनस 0 करेंगे, लोअर लिमिट 0 लिख रहा हूँ मैं, माइनस 0 आप लिख सकते हैं, चलो लिख रहा हूँ माइनस 0, फिर ये जो आएगा ये टोटल टर्म ये हो जाएगा, फिर माइनस 1/4a बाहर चल रहा है, 1/4a बाहर चल रहा है और यहाँ पे अपर लिमिट करेंगे तो यहाँ 4a आएगा, तो आपको मिलेगा 4a का होल क्यूब बटे 3 और माइनस लोअर लिमिट 0 है, 0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या मिलेगा आपका 2 अंडर रूट a और यहाँ से अगर बात करें 2/3, अगर हम 4a को सॉल्व करना चाहें तो देखो 4a की पावर कितना है 3/2 और 4a की हम इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो 4a की पावर 3/2 को अगर ऐसा लिखें तो ये जो 2 आएगा बाहर 2 अंडर रूट a मिलेगा और इसका जब होल क्यूब करेंगे तो आपको मिलेगा 2 का होल क्यूब मतलब 8 मिलेगा और रूट ए का होल क्यूब मतलब आपको मिलेगा √a × √a मतलब आपको मिल जाएगा a√a मिल जाएगा। तो यहाँ से आप मान लीजिएगा a√a ये मान मिल गया, माइनस 1/4a यहाँ भी सेम वही है, 4a की पावर यहाँ पे सॉरी 3 है तो 4a की अंदर पावर 3 है तो इसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 64 मिलेगा ये और 1 मिलेगा, -0। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखिएगा यहाँ से अगर हम यहाँ इसको सॉल्व करें तो 2 × 4 यहाँ ऐसा करते हैं √a तो a हो जाएगा, यहाँ a स्क्वायर बनेगा √a और a का a से गुणा a स्क्वायर, 8 × 16 = 32 ये हो जाएगा 32/3 माइनस 4 से काटे, एक a से एक कैंसिल हो जाएगा, 4 काटेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 4 2 बचेगा, 4 × 6 = 24 आ जाएगा और यहाँ a स्क्वायर बचेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बटे एक ही बाई एक ही कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या मिलेगा, तो 32/3 और ए स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर, तो यहाँ पर हमें यहाँ पे सॉरी गलत हो गया, यहाँ 3 भी होगा, बटे 3 हो जाएगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 3, अब आपको घटा दीजिए 3 आएगा, 32 भी बराबर है 32 ए स्क्वायर में 16 स्क्वायर कटेगा तो आएगा 16 a स्क्वायर, हमें यही लिखाना था, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, थैंक यू।